नमस्कार, मैं भाग्यश्री ढोंगे वीकेबी न्यूज की प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गढ़चिरौली जिला कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा, पुलिस अधीक्षक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे उपस्थित। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में यात्रियों से भरी बस गिरी, ब्रिज से ओवरटेक करने में अनियंत्रित होकर गिरी बस। और नागपुर में पुराने विवाद के चलते आरोपी ने की हत्या, सर पर पत्थर मारकर उतारा मौत के घाट। अब खबरें विस्तार से। गढ़चिरौली जिले के सिरोंचा तालुका में गोदावरी नदी के स्रोत के कारण 10,000 से अधिक लोगों को स्थानांतरित करना पड़ा। इसी क्रम में प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। कलेक्टर संजय मीणा ने सिरोंचा का दौरा कर इसकी समीक्षा की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद भी मौजूद थे। इस अवसर पर सभी अधिकारियों ने तालुका प्रशासन की योजना की समीक्षा की और सिरोंचा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर संजय मीणा ने तालुका प्रशासक को नुकसान का जायजा लेने और तुरंत पंचनामा बनाने का आदेश दिया। इस मौके पर नागरिकों को जहाँ उन्होंने मदद की जरूरत है उन्हें तत्काल मदद मुहैया कराने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर उन्हें गर्भवती माताओं की जांच कराने और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनका विशेष ध्यान रखने, गांव में बिजली बहाल करने और टेलीफोन सेवा को चालू करने जैसे निर्देश भी दिए। बाढ़ पीड़ितों को सर्पदंश से सावधान रहने की भी चेतावनी दी गई। नागरिकों को अनावश्यक रूप से नदी चैनल पर नहीं जाना चाहिए, सेल्फी के प्रलोभन पर अंकुश लगाना चाहिए और पुल के ऊपर से पानी बहते समय बाढ़ को पार नहीं करना चाहिए। इस अवसर पर जिला प्रशासक में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दावल सालवे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणेन्द्र कुटीरकर, आपदा प्रबंधन सलाहकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कृष्णा रेड्डी उपस्थित थे। वीकेबी न्यूज के लिए गढ़चिरौली से गणेश शिंगाड़े की रिपोर्ट। जिले में पिछले 16 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते धनोदी स्थित लोअर वर्धा परियोजना के सभी 31 गेट का आज 18 जुलाई को सुबह 6 बजे 100 सेंटीमीटर पर खोल दिए गए है। परियोजना लाभ क्षेत्र में भारी वर्षा हो रही है। वर्तमान में परियोजना से वर्धा नदी पात्र में 1625.13 घन मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। इसके और बढ़ने की संभावना है। नदी के दोनों किनारों के गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। देवली तालुका के सोनारा ढोक गांव में 21 घरों को बाढ़ के कारण गांव के ऊपरी हिस्से में ले जाया गया है। पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण यातायात अवरुद्ध कर दिया गया है। कुछ घर पानी में डूब गए है। हिंगनघाट तालुका में 211 मिमी बारिश के कारण भाकरा नहर का पानी महाकाली नगर में 20 घरों में घुस गया है। उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। इधर सिंडी से दिगराज तक पुल से पानी बहने के कारण दिगराज गांव का परिवहन कनेक्शन टूट गया है। साथ ही सिंडी के पासल गांव बाइक का यातायात कनेक्शन भी बंद कर दिया गया है। साथ ही देवगांव के पहलवानपुर का यातायात कनेक्शन भी बंद कर दिया गया है। सुरक्षा नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली कि सिकंदराबाद एक्सप्रेस में महिला यात्री को प्रसव पीड़ा हो रही है। सूचना मिलते ही पोस्ट प्रभारी वीके तिवारी के नेतृत्व में महिला आरक्षी जोशी बाला हुए स्टाफ के साथ महिला यात्री को स्वकुशल ट्रेन से उतारा गया और समय का ध्यान रखते हुए तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से गंगाबाई हॉस्पिटल गोंदिया पहुंचाया गया, जहां महिला यात्री का उपचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार में सुबह 10:45 धमनोद के खलघाट के पास नर्मदा नदी में यात्रियों से भरी बस गिर पड़ी। बस इंदौर से पुणे जा रही थी। महिलाओं बच्चों समेत 40 यात्री सवार थे। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। धमनोद के खलघाट में बस 2-लेन पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नर्मदा में गिरी। यह पुल पुराना बताया जा रहा है। बस महाराष्ट्र राज्य परिवहन की है। ब्रिज से ओवरटेक करने में अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे की जानकारी लगते ही खलघाट सहित आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। कामठी तहसील में आने वाले मसार के शंकुर नगर में आज भी सड़क पानी नाली के लिए तरस रहे हैं। इस नगर में न तो रास्ते हैं ना तो पीने की पानी की सुविधा। अनेक बार ग्राम पंचायत को शिकायत करने के बावजूद इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। संपूर्ण परिसर में लबालब पानी भरा है तो आने जाने का रास्ता पानी के अंदर डूबा है, जिस वजह से इस नगर में रहने वाले नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
यहाँ पे रह रहा हूँ और हमेशा से टैक्स दिया हूँ। अभी जो है सरपंच और उप सरपंच जो हाल में आए हैं, इनका कहना है कि ये प्लाट ही लेआउट इनलीगल है। अभी टैक्स भरो तो कहते हैं जमीन मालक डॉक्टर हबीब भुगतान करता ही है। तो जब रजिस्ट्रार ने हमको रजिस्ट्री करके दिया है तो ये इनलीगल कहाँ से हुआ? और रोड के लिए जाओ बनवाने के लिए, यहाँ नाली डाले हैं लेकिन एक भी पानी नाली में नहीं जा रहा है, सब सड़क पे जा रहा है। आप देख लो कि सड़क भरी हुई है, हमारे छोटे छोटे बच्चे आना जाना कैसे करें? हम लोग गाड़ी निकाल नहीं पाते, टू व्हीलर छोटी गाड़ी अगर है तो वो डूब जाती है। सर अभी तो ऐसा है कि बारिश का मौसम है और चूँकि यहाँ पे सीवर लाइन है नहीं, जितनी भी सीवर लाइन बनी है वहाँ तक कि वो भी एक्टिव नहीं है, तो पूरा पानी जहाँ बने वहाँ जहाँ पे गड्ढे वहाँ पे साचू नहीं, इसलिए कैसे तकलीफ हो रही है, हम लोग चल नहीं पा रहे, हमको जाने आने के लिए भी रास्ता नहीं है। यहाँ पे रोड की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ कई बार बता चुके हैं उनको और उनको पता भी है लेकिन कुछ एक्टिव होता नहीं, कुछ चीज़ होती नहीं। ये कौटा ग्राम पंचायत अंतर्गत मसाड़ा टोली में जो आता है वार्ड नंबर 3 है शकुर नगर करके, यहाँ पे इतने सालों से 17 सालों से ये बस्ती बसी हुई है। यहाँ के लोग टैक्स पेड करते हैं लेकिन जो टैक्स पेड करते हैं उनका इनको कोई भी किसी की तरह भी इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। ना यहाँ रास्ते है, ना यहाँ नाली है, ना खंभे पे स्ट्रीट लाइट है, जबकि ये सब सुविधा का देने का ग्राम पंचायत वादा करती है और टैक्स के दर टैक्स लेके ये सब चीज़ों का पैसा भी ग्राम पंचायत वसूल करती है, ना यहाँ कचरे की गाड़ी आती है ना कुछ आती है। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। मोक्षधाम के गेट पर डंपिंग यार्ड निर्माण कर सफाई अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक तरफ जनप्रतिनिधि व नगर परिषद के अधिकारी स्वच्छ शहर अभियान के करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर चुकी है, गोंदिया शहर के जनता में इस संबंध में काफी रोष है और यह विषय विधानसभा में हलचल मचाने वाला है। वो एक मैयत में आया था मोक्षधाम घाट पर, तो यहाँ का जो गेट के ऊपर जो डंपिंग यार्ड बनाया नगर परिषद ने, वो डंपिंग यार्ड ऐसा लग रहा है कि गांव के जो तमाम समाज के लोग यहाँ आते हैं, अपने सब सगे संबंधी रिश्तेदारों के यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए,
तो उनके जान से एक प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, और ये सारी जवाबदारी यहाँ के नगर प्रशासन के साथ साथ जिला कलेक्टर मैडम, यहाँ के लोकल आमदार, यहाँ के जो MP है और यहाँ के जो पूर्व नगर परिषद के नगराध्यक्ष है, साथ ही सभी वार्डों के नगर परिषद के सदस्य, विशेषतः गौशाला वार्ड, सुभाष वार्ड, सावरा टोली, गणेश नगर, यहाँ के जो नगर सेवक है, इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ऐसा है जो सामाजिक स्थल है ये, कि जहाँ आदमी का अंतिम संस्कार किया जाता है, और गांव के जो गणमान्य लोग यहाँ सभी समाज के आते हैं, तो यहाँ जो डंपिंग यार्ड बना के नगर परिषद जो जनता के क्या बोलेगी कि उसके जनता के साथ एक खिलवाड़ कर रही है, और एक रोग राई शहर में फैलने का बहुत बड़ा संकेत, यहाँ एक कारखाना तैयार हो गया है जिसमें कई प्रकार के जीव जंतु, लाखों टन दिख रहा है यहाँ पूरा कचरा तो जी, लाखों टन दिख रहा है पूरा यहाँ, लाखों टन कचरा यहाँ डाल के नगर परिषद क्या सिद्ध करना चाहती है। गांव में एक तरफ बजरंग दल की तरफ से सर्वधर्म स्वच्छता अभियान की तरह हर रविवार को यहाँ सफाई अभियान होता है सुबह 7 से 8, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि उस अभियान के एकदम विरुद्ध काम यहाँ चल रहा है। डंपिंग यार्ड को स्वरूप यहाँ मोक्षधाम घाट को प्राप्त हो चुका है, और इसके तरफ जनता में काफ़ी रोष है, पूरे शहर की जनता में, सर्व समाज में इसका रोष है, और आने वाले दिनों में ये रोष किस रूप में प्रकट होगा, और प्रशासन को इसकी पूरी जवाबदारी जो रोगराई फैलेगी उसकी और जनता के रोष की, प्रशासन को इसकी जवाबदारी वहन करना ही पड़ेगा, और एक दिन जनता का ये रोष नगर परिषद को, जनप्रतिनिधियों को काफी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। पाचपावली पुलिस थाना अंतर्गत पुराने विवाद के चलते आसिफ खान को चाकू से मारकर और बाद में उसके सर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। नागपुर के पाचपावली पुलिस थाना अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार आरोपी और मृतक का बहुत समय से झगड़ा चल रहा था, जिसमें पुराने विवाद के चलते आरोपी ने आसिफ खान पर चाकू से हमला किया और उसे सर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी और मृतक का 2 साल पुराना झगड़ा था, एक शादी में भी उनकी अनबन हुई थी, इसके चलते आरोपी ने आसिफ खान को मौत के घाट उतार दिया है। मृतक वैशाली नगर स्कूल में चपरासी का काम करता था। इस मामले में आरोपी ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पाचपावली पुलिस द्वारा की जा रही है। घटना ये हुई, हमारे भांजे को मारा गया ड्यूटी पे जाते समय, सिक्योरिटी में काम करता हूँ। झगड़ा था उनका, ऐसी बस्ती का जो झगड़ा होता है, बस वही झगड़े में ड्यूटी, स्कूल सामने की जो स्कूल है वहाँ पुराना झगड़ा है। पाचपावली थाने में कंप्लेंट है उसकी, कंप्रोमाइज किया उसने, कंप्रोमाइज किया उसके बाद में फिर अभी ये किया। सदर घटनेतील आरोपी दीक्षित भगवान जनबंधू वय 38 वर्षे, राहणार वैशाली नगर कॉर्पोरेशन शाळेजवळ, बाबा बुद्ध नगर इथे तो राहायचा आहे। तो मॅक्सी चालक आहे। त्याच्या पत्नीसोबत यातील जो मृतक आहे त्याचे अनैतिक संबंध होते, त्याच्याच अनुषंगाने यापूर्वी त्यांचं भांडण होऊन यातील आरोपीवर 324 गुन्हासुद्धा दाखल झालेला होता। यातील जो मृतक आहे आसिफ अहमद खान हा सिक्युरिटी गार्डची नोकरी करतो, आणि याला वारंवार आरोपीने समजावल्यानंतर सुद्धा तो त्याच्या पत्नीचा पिछा सोडत नव्हता। त्याच कारणावरून त्यांच्यामध्ये आज सकाळी 10 वाजताच्या दरम्यान वाद झाला, आणि यातील आरोपीने मृतकाच्या डोळ्यामध्ये तिखट टाकून त्याला दगडाने ठेचून मारलेला आहे। आरोपीला अरेस्ट करण्यात आलेली आहे आणि बाकीचा तपास गुन्हा दाखल करून आम्ही करीत आहोत। त्याच्या अनुषंगाने आम्ही अधिक तपास करत आहोत। आता नेमकं ही जी घटना घडलेली आहे त्याच्या अनुषंगाने जी महत्त्वाची कारवाई ती आम्ही करण्यात व्यस्त आहोत। नेमकं किती वर्षापासून यांचे प्रेमसंबंध होते, त्याला मुलीचं म्हणजे त्याच्या आरोपीच्या पत्नीचं पण सहकार्य होतं किंवा कसे, तसेच इतर काही त्याला अँगल्स आहेत का याच्या अनुषंगाने, अजून कोण आरोपी इतर होते का याच्या पण अनुषंगाने आम्ही तपास करीत आहोत। आरोपीवर यापूर्वी 380 म्हणजे चोरीचा एक गुन्हा दाखल आहे, 324 एक गुन्हा दाखल आहे, आणि 293,506 असे 3 गुन्हे त्याच्यावर दाखल आहेत। मृतकावर अजून गुन्हे दाखल आहे की नाही याबद्दल अजून माहिती घेत आहोत। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदही चौहान की रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइनर सेंटर खान मंत्रालय के आजादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह के हिस्से के रूप में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया।
आज़ादी के 75 साल और अपने लोगों को गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक सरकारी पहल है जो आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 को ऊर्जावान बनाने के दृष्टिकोण को सक्षम बनाता है। अकाम की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू हुई और 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगी। खान मंत्रालय के सभी संस्थाओं ने प्रतिष्ठित सप्ताह के दौरान 11 से 17 जुलाई तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। JNRDDC के सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम के प्रतिष्ठान सप्ताह का उद्घाटन 15 जुलाई 2022 को मुख्य अतिथि IRS संयुक्त सचिव और आर्थिक सलाहकार कोयला और खान मंत्रालय सुश्री निरुपमा कोटरू द्वारा किया गया था। उन्होंने JNRDDC की सीमेंट रोड और कोयला नमूना तैयार करने वाली प्रयोगशाला की नई सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। VKB न्यूज के लिए वाड़ी से विलास पांडेकर की रिपोर्ट। भारी बारिश के कारण दारवा से यवतमाल मार्ग पर बोरी अरब गांव में अडान नदी के पुल के ऊपर से पानी बहने से पुल पर यातायात ठप हो गई है। 14 जुलाई को सुबह पानी का बहाव तेज होने से इस पुल के ऊपर से पानी बहने लगा, इसलिए निर्माणाधीन पुल से सटे वैकल्पिक पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह आज सुबह से ही जिले में भारी बारिश हो रही है। VKB न्यूज की प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।